इस देश के पॉप कल्चर के साथ एक बड़ी ही आयरनी की बात हुई। हमारे पूर्वज जितना लव मैरिज के खिलाफ थे, उतने ही ज्यादा वो लव स्टोरीज को देखना पढ़ना पसंद करते थे। अब इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के राइटर्स डायरेक्टर कभी क्लासिक डिटेक्टिव्स क्रिएट करने के लिए उतने इंस्पायर्ड नहीं रहे। तारीफ करनी होगी उन रेयर आर्टिस्ट की जिन्होंने इसके बाद भी किताब के पन्नों और स्क्रीन पर बहुत से लेजेंडरी डिटेक्टिव्स को अमर कर दिया। बट हु इज इंडियाज़ ग्रेटेस्ट फिक्शनल डिटेक्टिव? आई थिंक आई हैव द आंसर फॉर दैट। तो चलिए फ्लैशबैक शुरू करते हैं। सभी बंगालीज और बंगाल के बाहर सिनेफाइल्स के फेवरेट फिल्म मेकर सत्यजीत रे क्राइम फिक्शन के बहुत बड़े फैन थे, खासतौर से शर्लॉक होम्स के। उन्होंने संदेश नाम की बच्चों की मैगजीन को रिवाइव करने का सोचा। ये मैगजीन उनके दादा ने ही शुरू की थी। उन्होंने इसमें कहानियां लिखनी शुरू की और 1965 में उन्होंने पहली फेलुदा की कहानी लिखी। फेलुदा निकनेम है प्रदोष चंद्र मित्र का, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। फेलुदा की उम्र करीब 27 साल बताई गई है। करीब 6 फुट लंबा और एथलेटिक फेलुदा मार्शल आर्ट्स में ही माहिर था। उसके बाद भी फेलुदा अपने केस सॉल्व करता था अपनी शानदार एनालिटिकल एबिलिटी और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स से, जिसको उसके फैंस मोगो जॉस्ट्रो के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, मैं बहुत से प्रोनंसिएशंस गलत कर सकता हूँ। इट्स नॉट कि मुझे बांग्ला नहीं आती, चूंकि नहीं आती ऑफकोर्स, बट हिस्टोरिकली मैं बहुत से प्रोनंसिएशंस गलत कर देता हूँ, सो उसके लिए माफी। एनीवेज, फेलुदा की .32 कॉल्ड रिवॉल्वर भी एक आइकॉनिक जगह बना चुकी है। फेलुदा का डॉक्टर वॉटसन था, उसका टीनेज कजिन तपेश AKA टॉपशी, उनका एक और दोस्त लालमोहन गांगुली AKA जटायु कुछ कहानियों के बाद उनके टीम में आया। लालमोहन गांगुली पॉपुलर मसाला थ्रिलर्स का राइटर था, जिसने फेलुदा की कहानियों में एक ह्यूमर ऐड करने का काम किया। फेलुदा को स्क्रीन पर सबसे पहले पोर्ट्रे किया गया सत्यजीत रे की ही फिल्म शुनार्क केला में, जिसमें लेजेंडरी एक्टर सौमित्र चटर्जी ने फेलुदा का रोल किया। फेलुदा की कहानियां अपने अनोखे विलेंस के लिए भी जानी जाती हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर था जय बाबा फेलुनाथ का मगनलाल मेघराज, जिसे लेजेंडरी एक्टर उत्पल दत्त ने पोर्ट्रे किया था। शुनार केला और जय बाबा फेलुनाथ ने फेलुदा के किरदार को एक कल्ट बना दिया। आने वाले वक्त में स्क्रीन पर फेलुदा के किरदार को बहुत से एक्टर्स ने प्ले किया, जिसमें शशि कपूर भी शामिल हैं, जिन्होंने हिंदी वर्जन किस्सा काठमांडू का में फेलुदा के किरदार निभाया था। ये दूरदर्शन का एक टीवी शो था। फेलुदा की कहानियां सिर्फ डिटेक्टिव फिक्शन ही नहीं है, ये एक ट्रेवलॉग की तरह भी काम करती है। जैसलमेर से लेके वाराणसी और काठमांडू से लेके लंदन तक ये कहानियां आपको हर जगह ले जाती हैं। सत्यजीत रे ने इन कहानियों को बच्चों को ध्यान में रखकर लिखना शुरू किया था, पर इसके फैंस हर उम्र के हैं, तो ट्रैवल ट्रिविया और मिस्ट्री के इस पैकेज को आपको भी मिस नहीं करना चाहिए। और इनको पढ़ने के लिए आपको बांग्ला सीखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस पेंगुइन इंडिया ने पब्लिश किए हैं और इन्हें आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न इंडिया से। पर चलिए मान लेते हैं कि आप इन्हें सीधे पढ़ना नहीं चाहते और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने हैरी पॉटर को यहां से जाना था। तुम एक जादूगर हो हैरी। मैं क्या हूं? तो आपके लिए सही होगा अमेज़न प्राइम वीडियो पर सत्यजीत रे की फिल्म शुनार केला को देखना। तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए और कुछ अलग पढ़ना शुरू कीजिए, भले ही वो किताब हो या फिर सबटाइटल्स।